हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो निकल गए गुरुवार की रात, 23 फरवरी को 24 हो गया है, फ्राइडे हो गया है। तो पहले तो निकला भाई, बहुत देर तक बुकिंग्स नहीं आए। चेंबूर फाटक पे खड़े खड़े जब एकदम बोर हो गया तो अचानक उबर भैया बजे, 12:56 पे उबर भैया बजे। और उबर का जो बजा है मुझे वो अगले स्टेट थाने का मिला है, 19 किलोमीटर था। और जो फेयर मिला है अच्छा मिला है, 321 प्लस 40 रुपये टोल। तो उबर भैया से मुझे मिला है 360 रुपये 19 किलोमीटर का, काफ़ी अच्छा फेयर था। उबर अच्छा फेयर दे रहा है आजकल, एयरपोर्ट छोड़ के बाकी सब जगह से उबर अच्छा फेयर दे रहा है, ये मैंने देखा है। तो पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया डिसोजावाड़ी में, जो डिसोजावाड़ी में मैंने ड्रॉप किया। 23 मिनट लगे हैं मुझे, ऑलमोस्ट 23 मिनट में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। और मैं खड़ा हूँ अभी वागले स्ट्रीट में ही खड़ा हूँ, पानी की टंकी के पास खड़ा हूँ। आई थिंक आगे है पानी की टंकी, वो देखते हैं यहाँ से बुकिंग कब तक आता है, वेट करते हैं। और बुकिंग आएगा जो भी डिटेल बता देंगे आपको। कल भी बिजनेस डाउन, 3 दिन से बिजनेस डाउन था, और आज भी बुकिंग के हिसाब से तो लग रहा डाउन होगा क्योंकि बहुत ही लेट बुकिंग आई है। और एक ही बुकिंग बजी है, ऐसा नहीं कि मैंने इग्नोर किया, एक्सेप्ट किया, वही एक ही बुकिंग जैसे बुकिंग बजी मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ भी इग्नोर वगैरह नहीं किया। और पैसेंजर को ड्रॉप करके अब यहाँ वेट करता हूँ, ओला उबर दोनों ऑन कर दिया है और इंतजार है बुकिंग का। तो फ्रेंड, वागले स्टेट से अपने को बुकिंग मिल गया कांदिवली का, 28 किलोमीटर था। उबर का ही बुकिंग लगा था, पैसेंजर को ड्रॉप किया था, 1:48 पे लगा था बुकिंग। 348 प्लस 40 रुपीस टोल, 390 रुपीस मुझे मिला है। 39 मिनट लगे हैं पूरा टोटल, और 28.6 ठाकुर भवन के पास, ठाकुर हाउस के पास मैं खड़ा हूँ कांदिवली में। और देखते हैं ऐसे अब बुकिंग वगैरह निकलता है कि नहीं अपने को। तो दो बुकिंग कम्प्लीट होगा, एक ओला एक उबर, जो अर्निंग रहे 3,350-7,500 रुपये का काम हो गया अपना, 800 रुपये का काम हो गया। और देखते हैं यहाँ से बुकिंग वगैरह वापस मिलता है कि नहीं। दो बुकिंग हो गया, 2:45 हो रहे हैं, और कांदिवली ठाकुर हाउस के पास हूँ, यहाँ से बुकिंग मिलेगा कि नहीं आपको भी डिटेल बता देंगे। हेलो, हेलो जी मैडम। हाँ भैया, त्रिवेणी में आना है, एकदम ऊपर आना है। त्रिवेणी? हाँ, ऊपर मतलब एक लोकेशन, लोकेशन पे आओ ना एकदम आपके। हाँ हाँ, एक ऊपर चढ़ के आना है। अच्छा, हिल के ऊपर एकदम? हाँ, हिल पे है, अंदर आके ऊपर आना है। अच्छा, अच्छा गाड़ी आ जाती ना प्रॉपर वहाँ पे? हाँ हाँ, गाड़ी आ जाती है। चलो अपन मलबार हिल के नजारे देख लो। अंधेरी ईस्ट का बुकिंग आया, त्रिवेणी एकदम हाइट पे जाना भाई, एकदम ऊपर। ये देखो आप लोग, ये नजारे भी देखते रहो, मजा आ रहा नजारे। मलाबार हिल का एरिया है ये, और ये मलाबार एक टाइप सी समुद्र का नजारा देखो। यहाँ पे बंगलो भी एक से एक है समुद्र के किनारे, बहुत ही बेहतरीन एरिया भाई। यहाँ पे इसके घर है भाई, समझो बहुत मस्त एरिया है ये, यहाँ पे रहने लायक जगह है ना, धूल उड़ता है ना कुछ, समुद्र का सीधा हवा लेकिन आता है खारा हवा। तो चलिए फ्रेंड्स, अंधेरी ईस्ट पैसेंजर को ड्रॉप करता हूँ। आज जो अभी तक की अर्निंग रही थी रात में एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद 1000, और ये 300, 1350 का काम हो चुका है। और ये पैसेंजर को ड्रॉप करता हूँ, कुछ 300 रुपये का यहाँ भी मिल जाएगा, उसके बाद देखते हैं जो भी अर्निंग रहेगा आपको बताते हैं।
फ्रेंड कांदीवली से अपने को एक T2 इंटरनेशनल का बुकिंग लग गया था, करीब 2 घंटे के बाद बुकिंग लगा था। पैसेंजर को ड्रॉप किया, T2 इंटरनेशनल का था, कितना रुपया मिला था स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। उसके बाद अपने को खारवेस्ट का है यार, छोड़ो यार। तो उसके बाद अपने को फिर से खाने वेस्ट का बुकिंग ले लिया। उसके बाद फिर से अपने को एक बुकिंग लग गया था T2 इंटरनेशनल से, जो बुकिंग लगा था मैंने मालाबार हिल का लिया था, कुछ 330 रुपया मिला था। मालाबार हिल पहुंचा तो वहां से मुझे अंधेरी ईस्ट का एक बुकिंग लगा, तो अंधेरी ईस्ट पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया और ड्रॉप करते ही 264 रुपया मिला। और सीलिंग से एक बार गया तो आते समय 42 रुपये कटा, वहां 42 रुपये का फायदा हो गया मेरा, तो 300 रुपया उसका भी मिला मालाबार हिल से अंधेरी का। फिर उसके बाद अंधेरी से मुझे T2 इंटरनेशनल अभी लग गया उबर का, 137 रुपया मिला, 6-7 किलोमीटर था। पैसेंजर को ड्रॉप किया और ड्रॉप करके खड़ा हुआ, आधे घंटे के अंदर थाने वेस्ट फिर से लग गया। चलते हैं थाने और मचाते बूम बाम भाई लोग। तो फ्रेंड बहुत दिनों के बाद अच्छा काम हुआ है यार, बूम बाम कर दिया तुम्हारे भाई ने फाइनली। तो एयरपोर्ट से जो बुकिंग थाना वेस्ट का मैंने लिया था, नॉर्मल बुकिंग ही था, 1.01 ऐसा कुछ आया था लिख के, तो उसका अच्छा खासा पैसा मिल गया। 35 किलोमीटर था जिसका 457 रुपया प्लस 40 रुपये टोल, यानी 500 रुपया मुझे उसका मिल गया। पैसेंजर को ड्रॉप किया मैंने एक ही बुकिंग से 500, और ड्रॉप करने से पहले ही मुझे बुकिंग आ गया घाट गोबर ईस्ट का। घाट गोबर ईस्ट भी मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया फाइनली। घाट गोबर ईस्ट का भी पैसा जो मिला है 27 किलोमीटर का 354 प्लस 40 रुपये टोल, यानी कि 400 रुपये। तो इस तरह से भाई तुम्हारे भाई ने आज करीब 3 दिन के बाद आज बूम बाम किया है, और लकली आज बूम बाम हो गया। तो जो टोटल अर्निंग रही है मेरी आज की वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, लगभग 2600 रुपए का काम हो गया। 2600 रुपए का आज तुम्हारे भाई ने काम कर दिया। 2 पॉइंट अभी भी CNG आज एवरेज अच्छी दिया है गाड़ी, 205 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया है वैगनार, और 2 पॉइंट CNG अभी भी है CNG फुल करके। तो इसका मतलब 240 किलोमीटर और गाड़ी चलेगी, 240 का आज एवरेज है इस गाड़ी का CNG भरने के बाद, तो अच्छा है यार। 750 में 240 किलोमीटर अगर चलता है तो बहुत बढ़िया बात है। 650 में मैंने 2600 का काम कर लिया आज, तो मजा आ गया। तुम्हारे भाई ने बूम बाम कर दिया, और बहुत दुने के बाद यार हुआ, 3 दिन से बिजनेस डाउन था। तो भाई देखो एक चीज है, बिजनेस डाउन होने का कारण मुझे पता चल गया, तो आप लोग इसे अप्लाई मत करना। आप लोग के अच्छे के लिए बता रहा हूँ, राज की बात बता रहा हूँ, बुकिंग बहुत ज्यादा, बहुत बुकिंग आ रही है, और वो आ रही है इन ड्राइवर में। तो भाई लोग गरजू ड्राइवर, प्लीज इन ड्राइवर को यूज मत करो, इन ड्राइवर की बुकिंग एक्सेप्ट मत करो भाई। कितना कम रेट पैसेंजर जित मन माना एकदम मुझे, जितने आज मैंने इंस्टॉल किया बोला ट्राई करता हूँ इन ड्राइवर, और मैंने ट्राई किया। 35 किलोमीटर का रोक पनवेल का कितना बुकिंग का रेट डालते, 300 रुपया, 280 रुपया भाई इस तरह से। तो भाई गर्ज खा के काम मत करो, मैं अपने ड्राइवर लोग को बोलता हूँ भाई इन ड्राइवर के चक्कर में मत फंसो, बहुत ही कम फेयर है, अपने पेट पे लात मारोगे याद रखना आप। क्योंकि ओला उबर जो फेयर में गाड़ी बुक करते हैं सब, बाद में इन ड्राइवर में अगर सब कम में बुक करने लगे और आप लोग आदत लगा दोगे, तो फिर ना ओला उबर में वो गाड़ी बुक नहीं करेंगे। तो आप लोग याद रखो यार, ये लत मत लगाओ आप लोग कृपया प्लीज। मैं अभी भी सबको बोलता हूँ अवॉइड करो इसको, वरना अपने ही पैर पे अगर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो तो मार लो भाई इन ड्राइवर यूज करके। अगर आपने इन ड्राइवर को इसी तरह से यूज किया और इसी तरह से निगोटेबल किया और इतने सस्ते में लेके आप लोग जाने लगे, तो पहले तो सर्च बुकिंग भूल जाओ ओला उबर से, क्योंकि पैसेंजर बुकिंग नहीं करेगा, इन ड्राइवर ही ढूंढेगा वो, और आप लोग को फिर झक मार के इन ड्राइवर से ही सवारी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। तो जो भी भाई है ओला उबर में ही काम करो और इन ड्राइवर को मत यूज करो, फाइनली मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने इंस्टॉल किया, बहुत सारे बुकिंग्स आ रहे थे, भाई ओला उबर क्या बुकिंग देगा, उतना इन ड्राइवर में बुकिंग आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ वहाँ इन ड्राइवर बज रहा है। तो लेकिन भाई एक भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो जितने फेयर है भाई वो पड़बड़ेगा ही नहीं, वो क्या हिसाब से आप वो फेयर में काम करते हैं सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने जो इन ड्राइवर को इतना फीलिंग बढ़ा दिया है, तो आगे के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोग को, बस यही मेरा सजेशन था अपने ड्राइवर भाई लोग को, डोंट यूज इन ड्राइवर ऐप। और अगर आप यूज करते भी है तो रेट को कम मत करिए, मिनिमम आप उसमें अगर चार्ज करते हैं तो 15 रुपए पर किलोमीटर से चार्ज करिए, ताकि ओला उबर का जो रेट कस्टमर देख के सोचता है ड्राइवर सस्ते में कर लेंगे,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओला उबर भी जो आप सब लोग बोल रहे हैं बहुत महंगा है, बिल्कुल नहीं भाई, ओला उबर बहुत कम रेट है। कंपटीशन के बारे कितना कम रेट है तो ड्राइवर भाई जानते ही हैं क्या हिसाब से ओला उबर ने कंपटीशन में रेट गिराया है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इन ड्राइवर का बुकिंग आता है 15 रुपये पर किलोमीटर के नीचे रहेगा तो बुकिंग एक्सेप्ट मत करो। आपके लिए फायदा रहेगा, हमारे लिए भी फायदा रहेगा भाई लोग। तो बूम बाम भाई, तुम्हारे भाई ने बूम बाम कर दिए। पार्किंग में आ गया, आज फ्राइडे है यार, आज पार्किंग मिलता नहीं है बराबर, तो देखते हैं कहीं जगह मिलता है तो गाड़ी लगाते हैं। एक जगह मिल गई भाई लोग, बाइक लगा के रखा है भाई ने, देख लो कि भाई बूम बाम ना हो पावे। इनसे भाई से पूछता हूँ निकालते हैं क्या। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपकी टिप के लिए आपका भाई ऐसे वीडियो लाते रहेगा। जय हिंद।